नमस्कार सभी को एंड वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं सीयूईटी का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, ऑफिशियल तीसरा वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, आप चाहें तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की बात करूँगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सीयूईटी एज वेल एज बाकी एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमें बेसिकली क्या बताता है, रिएक्शन के बारे में, रेट के बारे में। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं, आई थिंक थोड़ा सा चमक रहा है तो इधर लाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो अगर पहला रिएक्शन ऐसा है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/-1/A। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा माइनस में होंगे और प्रोडक्ट्स हमेशा प्लस में होंगे, ठीक है। और ये सारे इक्वल होते हैं, जो भी कोफिशियंट होगा रिएक्शन का, कोफिशियंट मतलब स्टार्टिंग का नंबर, उसको उससे डिवाइड करेंगे और चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने हर जगह कर रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम अपॉन उसका कोफिशियंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आती है रेट लॉ। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे अभी हम एक फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो देखिए, मैंने अगर सेम रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट लॉ लिखा जाएगा R इज इक्वल टू K, A का पावर X और B का पावर Y। ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे K रेट कांस्टेंट है, और अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसका ऑर्डर आएगा X प्लस Y। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जहाँ पे X और Y की वैल्यू दी रहेगी और आपसे कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो ऑर्डर से आता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट वाटर हो, पानी H2O, जैसे B, यहाँ पे A या B की जगह अगर वाटर होता तो उसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टिक किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है रिएक्शन विथ इथाइल एसिटेट एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब देखते हैं, तीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, कुछ भी वैल्यू दे देगा और उसकी यूनिट ये रहेगी, और उससे आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट देखनी है। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर होगा, और अगर उसकी यूनिट पर सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसके अलावा कुछ और होती है तो सेकेंड ऑर्डर होगा। अब जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। वहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 2.303/T log A0/A, जहां A0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, A फाइनल कंसंट्रेशन है, और T कितना टाइम लगा है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं हाफ लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होता है, और उसका फॉर्मूला होता है K = 0.693/T½। यहाँ पे आपको K की वैल्यू दी रहेगी, K आपका होगा रेट कांस्टेंट, T½ मतलब कितने समय में वो आधा हो रहा है। जैसे अगर एक कंपाउंड है जो 10 सेकेंड में 100 ग्राम से 50 ग्राम हो जा रहा है तो उसकी हाफ लाइफ 10 सेकेंड हो जाएगी। तो ये था हाफ लाइफ का क्वेश्चन। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस और एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको EA से दिखाया जाता है, और इसका डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर पे कुछ इस तरीके से, log K2/K1 = −EA/R, जहाँ पे EA एक्टिवेशन एनर्जी है और R आपका गैस कांस्टेंट है, 1/T1 − 1/T2। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन है। अगर इसकी नॉर्मल हम बात करते हैं तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला रहता है K = −E^E^R। ये आपका नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, जिस पे आपके E^RT, −EA/RT। ये कई बार आपसे पूछते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो ये था आपका पूरे केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको आसानी होगी। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा सारे फॉर्मूलेज,
तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो इस टाइप में आपको पता नहीं चलेगा, वो मैं बताता हूँ। आपसे कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को। तो मानते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है और रेट कॉन्स्टेंट दिया है। आपसे कहेगा कैलकुलेट रेट लॉ। ये आपके बोर्ड्स में भी एक्चुअली आता है, बट आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन पॉसिबल है। तो ए का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा और के का दिया रहेगा। आपको पूछेगा रेट लॉ बताइए और ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, कंप्लीट ऑर्डर कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए मैंने ए का कंसंट्रेशन 0.1 दिया, बी का 0.1 दिया और ये दे दिया 2 × 10⁻⁴। फिर मैंने ए का कंसंट्रेशन 0.4 ले लिया, इसका कंसंट्रेशन 0.1 ले लिया और इसका कंसंट्रेशन ले लिया, रुक जाइए मैं इसका कंसंट्रेशन कुछ सोचता हूँ, एक सेकेंड लेट मी कैलकुलेट। इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए मैंने ले लिया 32 × 10⁻⁴, यूनिट दी रहेगी आपको। अगला मैंने बी का ए का कंसंट्रेशन ले लिया 0.4 और बी का कंसंट्रेशन मैंने ले लिया 0.2 और इसका इसका कंसंट्रेशन मैंने ले लिया 32 × 10⁻⁴ वापस, ठीक है। तो आपसे कहेगा रेट लॉ बताइए इस इक्वेशन के लिए। तो देखिए हमें रेट लॉ क्या लिखना है, अभी हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू K का पावर A, K इंटू A का पावर X और B का पावर Y। हर इक्वेशन को आप उसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैं पहले वाले को लिखता हूँ 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.1 का पावर X और 0.1 का पावर Y। ये पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो 32 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.4 का पावर X और 0.1 का पावर Y। तीसरे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 32 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.4 का पावर X और 0.2 का पावर Y। अब देखिए हमें क्या करना होता है, इसको निकालने के लिए हम पहले ऐसे को डिवाइड करेंगे जहाँ पे दो कॉमन है। तो हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y वाले की वैल्यू कॉमन है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग 1/2। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ अपॉन 32 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू, ये तो पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/4 का पावर x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 16 = 32, 10⁻⁴ कट जाएगा, 1/16 इज इक्वल टू 1/4 का पावर x। अब हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये 1/16 हो जाए, तो हमें क्या पता है x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये 1/16 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2। अगर आपसे सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। अब 2 इसलिए बोला क्योंकि 1/4 का स्क्वायर करने पर ही 1/16 आता है। तो ये आ गया आपका x के रिस्पेक्ट में। अब इसको मैं रब कर देता हूँ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। अब हमें b के रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में कितना आ चुका है 2, हमें उसे यूज़ नहीं करना है। अब हम वैसे को खोजेंगे जहाँ x की वैल्यू कॉमन है। तो हमने देखा 2 और 3 में x की वैल्यू कॉमन है, तो हम लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 2 और 3 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 32 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 32 × 10⁻⁴, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये पूरा कट जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 का पावर y। तो किसी की भी वैल्यू क्या रखी जाए कि 1 आ जाए। अगर हम पावर में 0 रखते हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा फाइनल रेट लॉ जो आएगा वो आएगा k a का पावर 2, क्योंकि x 2 निकला था, और b का पावर 0। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई होता है, तो आपका 2 + 0 हो जाएगा, 2 + 0, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। अगर आपसे a के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 2 आएगा और b के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 0 आएगा। ये था आपका एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फॉर्मूलेस हैं। तो दिस सम्स अप केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरा खत्म होता है, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से बाहर से आ जाए। हाँ, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको बताया था, तो वो आपका बाहर से आ सकता है, बाकी आप उससे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार,
मैं नहीं हूँ राजा रवीश कुमार, पर वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय।